चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक पढ़ रखा होगा हेडी लगा लेना। कल सुमन ने परीक्षा कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। भारत का भौतिक विभाजन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है ये, मजाक नहीं कर रहा, रियल में सबसे आसान टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। बस पहले ध्यान से समझ लेना, बाद में आपको मैं नोट करवाता हूँ, चलूँगा। अच्छा, भारत का भौतिक विभाजन, विभाजन का मतलब है भारत को भूमि के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। भूमि के आधार पर कौन सी भारत में भूमि, उत्तर में कौन सी भूमि पड़ती है, दक्षिण में किस साइड की है, मरुस्थल भी पड़ता है, कहीं पे जलीय भूमि भी पड़ती है, कहीं पे मैदान भी पड़ता है, यानी कि भूमि के आधार पर भारत को किन किन भागों में बांटा गया, उन अलग अलग भागों की क्या क्या विशेषता पड़ती है, उसी को भौतिक विभाजन बोला गया। जैसे कि हिमालय पर्वत है, वो पर्वत का भाग आता है, थार का रेगिस्तान है, रेगिस्तान का भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो गंगा का मैदानी इलाका, उसे मैदान बोल दिया गया। तटीय प्रदेश की अलग विशेषता पड़ती है, दोनों तटों के ऊपर अलग विशेषता पड़ती है, उसे तटीय प्रदेश बोल दिया गया। द्वीपीय प्रदेश पड़ते हैं, उनकी अलग से मतलब व्याख्या करनी पड़ती है, तो उनको अलग सा प्रदेश द्वीपीय प्रदेश बोल दिया गया। इसी प्रकार अलग अलग जो अलग अलग विशेषता रखती है भूमि, जो भारत की भूमि जो अलग अलग विशेषता रखती है, उसको अलग अलग अध्ययन करने के लिए एक टॉपिक जोड़ा गया था, भारत का भौतिक विभाजन। आपसे प्रश्न बनना यहाँ से शुरू हो जाता है, सबसे पहला भी भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से। कितने भागों में बांटा गया भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हिमालय की बात कर लेता हूँ, एक तो हिमालय हो गया, हिमालय पर्वतीय प्रदेश एक नंबर। अच्छा, दूसरा और उत्तरी पूर्वी मैदान, कमाल है, अपने धक्के से जोड़ रहे हो, कोई कोई निकले तो सही। अच्छा, दूसरा मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दक्षिण भारत में जो पठार पड़ता है, इसे दक्कन का पठार, सॉरी प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप पठार कहा जाता है इसे। अच्छा, दो नंबर हुआ, इसकी हिमालय की अलग विशेषता पढ़ेंगे, यहाँ पे छोटे बड़े अलग अलग पठार आते हैं उनको पढ़ेंगे, एक यहाँ पे पड़ता है रेगिस्तान, जिसे तीन नंबर बोल दूंगा मैं, तीन नंबर पे कौन सा पड़ता है, थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। अच्छा, तीन नंबर हो गया। चार नंबर की बात करता हूँ, ये नदियों का प्रदेश पड़ता है, ये बीच में यहाँ पे नदियों का प्रदेश है, ये नदियों का प्रदेश है, इसे चार नंबर भाग बोल देता हूँ, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, चार हो गया। अच्छा, दोनों साइड पे यहाँ पे समुद्री सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है, यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे तटीय सीमा लगती है, समुद्र लगता है, यहाँ भी समुद्र लगता है, तो यहाँ पे तटीय इलाकों में कौन से जो मैदान पड़ते हैं, यानी कि यहाँ भी मैदान होंगे छोटे छोटे, ऐसे तो नहीं बिल्कुल टच करेगा सागर, टच करेगा तो थोड़ी दूरी में क्या क्या विशेषता होंगी, कौन सी यहाँ पे जिले बनेगी, किसके लिए विख्यात रहेगा, तो इन्हें बोल दिया गया तटीय प्रदेश। ये हो गया चार नंबर, हो गया पांच नंबर पे तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश दो है, एक तो पूर्वी तट पड़ता है और एक पश्चिमी तट पड़ता है, दोनों तटीय प्रदेश है। अच्छा, पांच हो गए, और छह नंबर पे यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ते हैं और यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ते हैं, इन दोनों को काउंट करके बोल दिया गया द्वीपीय प्रदेश, छह नंबर पे इन दोनों को बोल दिया गया द्वीपीय प्रदेश। आपसे कॉमन सा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, छह भागों में बांटा गया। आपसे पूछे कौन कौन सा, एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीप का पठार, तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। अच्छा, आप एक एक को पठार को उठाएंगे और एक एक पठार के अंदर क्या क्या विशेषता आती है, उन्हें सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेना, एक पॉइंट लिखना, भारत को
भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से। भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से मतलब समझा नहीं। मैं धरातल की संरचना, ये भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन यही है। भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन इसको ही बोलते हैं, एक ही है। भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया जो कि निम्न पड़ते हैं। तो निम्न है कौन से, नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीप का पठार, थार का मरुस्थल, चार पे तटीय प्रदेश, पांच पे उत्तर भारत का विशाल मैदान, और 6 पे द्वीपीय प्रदेश। भारत को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया। उतार लिया होगा, ठीक है। हो गया द्वीपीय प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा लेना हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो सबसे पहले अपने 6 पॉइंट पढ़ेंगे आपका भौतिक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। चलो सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, अच्छा। अब बात आती है इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो सुन लेना। हिमालय के अंदर अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छा। सबसे पहले तो पढ़ने वाले हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार ये पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले अपने इसके अंदर ट्रांस हिमालय। अब होता क्या, एक बार पूछना मत मेरे से, मैं आपको जब आएगा टॉपिक बहुत अच्छे से बता दूंगा। मुख्य हिमालय और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पूर्वांचल हिमालय। अच्छा, और जो चौथा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रादेशिक हिमालय। ये पांच चीजें जब पढ़ लेंगे तो आपका हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। हिमालय में पांच चीजें पढ़ने वाले हैं, हिमालय का विस्तार पढ़ने वाले अपने, हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय पढ़ने वाले, मुख्य हिमालय पूर्वांचल हिमालय और प्रादेशिक हिमालय। सारे टॉपिक आपके यहाँ से क्या,
हाँ जी पांच, आपको जब भी पांच पढ़ लोगे, पूरा भौतिक वाचन छह भागों में है, छह को अलग अलग से पढ़ेंगे। हिमालय को पढ़ने के लिए अपने को पांच टॉपिक का सहारा लेना पड़ेगा, या पांच पढ़ लेंगे तो आपका हिमालय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ठीक है। जो अब इसके अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हिमालय का विस्तार, तो हेडिंग लगा लेना हिमालय का विस्तार। हेडिंग लगा लो हिमालय के विस्तार, जो सबसे पहला टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं हिमालय का विस्तार। अच्छा अब आपसे पूछता हूँ मैं, हिमालय कहाँ पे फैला हुआ है? लद्दाख से उत्तर तक, और कहाँ तक? भारत में बात करता हूँ, भारत में, भारत में कहाँ से लेकर, भारत में अगर पूछता हूँ राज्य कौन से लेकर कौन से तक? लद्दाख से मिजोरम, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो कौन से देशांतर के मध्य पड़ता है? नहीं, कौन कौन से, कौन सा एग्जैक्ट, कौन सा देशांतर से लेकर कौन से देशांतर तक है? दूसरा, कौन सी नदी से लेकर कौन सी नदी तक है? चौथा, कौन सी पहाड़ी से लेकर कौन सी पहाड़ी तक है? अगर ये पता होता तो फिर यहाँ पे क्यों आते? वही बात, क्या मिज्जो की पहाड़ी, वाह ठीक है। अब एक बार डायग्राम बनाता हूँ तो उसको साथ साथ बना लेना, जो आपके सारे डाउट थे वो सारे यहाँ से निकल जाएंगे अभी। हाँ देखने में लगेगा आपको गंदा सा लेकिन बहुत अच्छा होगा। बस एक बार जैसे बनाओ बनाते रहना, बहुत अच्छा समझ आएगा आपको इससे। अभी आपके कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन देख लेना समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, कुछ नहीं लाइने हैं अभी तो, एक बार कुछ नहीं है बस सुनते रहना अभी। ये उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय और कुछ नहीं है ये उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, ठीक है बना लो फिर एक बार। हिमालय की कहाँ पे विस्तार है पूरे डाउट इसी मैप से निकल जाएंगे आपके। क्या हमारे भले 500 में क्या करना? बना लिया होगा
लाइनें खींचनी है, खींच दो ना। अच्छा, जो उत्तर वाला ये पड़ता है उसे बोला जाता है उत्तरी हिमालय, इसका नाम लिख देना उत्तरी हिमालय। बहुत अलग से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से, एक बार नाम लिख देना ही, उत्तरी हिमालय। इसे कहा जाता है मध्य हिमालय। इसे कहा जाता है दक्षिण हिमालय, दक्षिणी हिमालय, या फिर शिवालिक हिमालय। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हिमालय तीनों तीनों कहाँ से शुरू होते हैं, तो जो नदी से शुरू होती है, जिस नदी से शुरू होती है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। भारत में हिमालय सिंधु नदी से शुरू होता है और जिस नदी तक फैला हुआ है भारत में हिमालय, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में हिमालय सिंधु नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। दूसरी बात, अब राज्य पूछ ले भी कौन से राज्य से शुरू होता है, कौन से राज्य तक है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से शुरू होता है हिमालय और यहां पे लास्ट में जो राज्य पड़ता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, तीसरा पॉइंट, हिमालय कौन से देशांतर से शुरू होता है, तो मैं कह सकता हूं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और भारत में 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। चौहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हिमालय फैला हुआ है। तो मैं सिंपल सा दोनों का अंतर बता के कह सकता हूँ भी हिमालय टोटल 22 देशांतरों के मध्य पड़ता है भारत में। प्रश्न पूछा गया आईएएस के एग्जाम में। टोटल 22 देशांतरों के अंदर हिमालय फैला हुआ है। अच्छा, अगला, जो हिमालय पड़ता है वो कौन सी पर्वत चोटी से शुरू होता है, कौन सी पर्वत चोटी से कौन सी पर्वत चोटी तक पड़ता है, तो हिमालय भारत में नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। हिमालय भारत में नंगा पर्वत से लेकर जो पर्वत चोटी पड़ती है नामचा बरवा चोटी पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 1756 मीटर के मध्य फैला हुआ है। याद ही है ये, तो इसमें क्या याद है, चार ही तो बातें हैं इसके अंदर, बार बार पढ़ोगे तो बस याद है। बार बार पढ़ना पड़ता है बस, और कोई तरीका नहीं होता। लिख उतार लिया क्या, रट्टा मारो बस, बात खत्म। जो मैं जिनसे पढ़ा वो एक ही बात बोलते थे, कोई चीज को अगर याद नहीं होती तो रट्टा मार दो। रट्टा एक बार नहीं, किसी भी चीज को अगर याद नहीं 200 बार पढ़ डालो। क्या 22 कुछ नहीं, बस 22 देशांतरों के मध्य भारत, ये कुछ भी नहीं है, पूर्वी पश्चिम में कुछ नहीं है, मतलब 22 देशांतरों के अंदर है। वो तो एक ही बात बोलते हैं 200 बार पढ़ डालो कोई चीज को समझ, क्योंकि वो आईएएस की तैयारी करते थे खुद, जो टीचर है जो आईएएस की तैयारी कर, वो तो बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर मैथ इंग्लिश इंग्लिश इतना ज्यादा नहीं होता, एक ही बात बोलते अगर याद नहीं हो रहा, याद हो रहा तो सबसे ठीक है, याद नहीं हो रहा तो एक ही चीज को 200 बार पढ़ डालो।
सौ बार याद नहीं होगा, 150 बार याद नहीं होगा, लास्ट में जाके याद तो हो जाएगा। तो टाइम तो लगेगा लेकिन याद तो हो जाता है। अच्छा अब मेरे को याद है तो पता नहीं मैं कितनी बार तो इसको पढ़ा चुका हूँ और कितनी बार मैं खुद पढ़ चुका हूँ। अच्छा दोबारा सुनना, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश, 74 से लेकर 96, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र, नंगा पर्वत से लेकर नामसा बरवा, ठीक है यहीं तक किया टोटल। अच्छा अभी सुनना, आपसे पूछा जाएगा हिमालय की लंबाई कितनी पड़ती है? हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर पड़ती है, हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर पड़ती है। अच्छा फिर अब इस प्रकार आपको मैंने क्यों दिखाया है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं भारत के इस साइड की जो पंजाब का एरिया पड़ता है या फिर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, यहां पे हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते जाएंगे हिमालय की चौड़ाई कमी आती जाती है, जैसे जैसे इस साइड में जाएंगे तो हिमालय की चौड़ाई में वृद्धि होती रहती है। ये स्टेटमेंट में आरएस के एग्जाम में आईएएस के एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि क्या पूर्व से पश्चिम जाने पश्चिम की ओर जाने पे हिमालय की चौड़ाई में वृद्धि होती है, सही है फिर गलत है, ऐसे कथन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इस साइड में हिमालय की जो चौड़ाई पड़ती है वो 400 किलोमीटर पड़ती है, मध्य में जो हिमालय की चौड़ाई पड़ती है वो 160 किलोमीटर पड़ती है, जो सबसे बिल्कुल इस साइड में जो हिमालय की चौड़ाई पड़ती है वो 20 से 25 किलोमीटर है, 20 से 25 किलोमीटर। चार सौ किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर से लंबा पड़ता है। अभी किसने बोला विस्तार सारा एक ही मैप के अंदर हो जाएगा आपका रियल में, अगर आपसे कोई बेसिक पहले आपको नहीं पता था, अभी आपसे कोई हिमालय पूछे तो बता देना जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, पूछे नदियों के हिसाब से तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र है, कौन से देशांतर से 74 से लेकर 96 के मध्य पड़ता है, कौन सी पर्वत चोटी से नंगा पर्वत से नामसा बरवा पड़ता है, तीन श्रेणियों में इस साइड में ज्यादा चौड़ है 400 किलोमीटर, मध्य में 160, इस साइड में 20 से 25 पड़ती है। अच्छा उसके बाद में अब जो उत्तरी हिमालय पड़ता है इसका निर्माण सबसे पहला हुआ था, मध्य हिमालय इसका निर्माण मतलब मिडल बाद में थोड़ा बाद में हुआ, और जो शिवालिक हिमालय इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ था, जो सबसे पहले बनेगा वो सबसे ऊंचा जाएगा। यानी कि हिमालय का निर्माण करने का आपके इतना जो थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी पड़ती, कोबर का सिद्धांत वगैरह प्लेट विवर्तन के सिद्धांत आपके नहीं आता, जो आईएएस के मेंस के एग्जाम में तो वहां पे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, मैं हर क्लास के अंदर गुब्बारे का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी रहती है, गुब्बारे को दोनों साइड से अपने दबाते हैं, दोनों साइड से दबाते हैं तो बीच का भाग उभर के ज्यादा बाहर आता है, जितना ज्यादा दबाएंगे दोनों साइड से बीच में ऊपर के ज्यादा ऊपर बाहर आएगा। इसी प्रकार जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, आपस में जितने ज्यादा दबाव से टकराएगी उतना ज्यादा बार ऊपर के आएगा। सबसे ज्यादा जब सबसे पहले प्लेटें टकराई तो सबसे पहले उत्तरी हिमालय बाहर निकला था, धीरे धीरे मध्य हिमालय की जगह थोड़ी थोड़ी बाहर निकलने लगा, उसके बाद में सबसे कम दबाव लगने लगा तो शिवालिक हिमालय भी बाहर आया। तो सबसे पहले जहां पे प्लेटें टकराई थी सबसे ज्यादा दबाव लगा था वो उत्तरी हिमालय की जगह लगा था, तो ये सबसे ऊंचा जाएगा, ये मध्य में जाएगा और ये सबसे नीचा होगा। और आपको बता देता हूं जो नदियां वगैरह निकलती है वो इसी उत्तरी हिमालय से निकलती है, क्योंकि ऊंचाई पे होगा, ऊंचाई पे होगा तो यहाँ पे बर्फ जमेगी, ऊंचाई पे होगा क्योंकि आपको जब फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे बताया जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है, यहाँ की तो ऊंचाई बहुत बढ़ती है, जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो यहाँ पे माइनस पे चला जाएगा, माइनस पे चला जाएगा तो यहाँ पे बर्फ ही जमेगी और बर्फ के ही पिघलने से नदियाँ बनती है। जितनी ज़्यादा नदियाँ निकलती है, गंगा की बात करता हूँ, ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ, सभी की सभी यहीं से निकलती है उत्तरी हिमालय से। और मध्य हिमालय तो ऐसा होता है बिल्कुल जो ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, जो अपने पर्यटक स्थल की बात करते हैं शिमला कुल्लू मनाली की आगे बात करता हूँ, डलहौजी की बात करता हूँ, ओली की बात करता हूँ, ये सारे पर्यटक स्थल मध्य हिमालय में आते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया हिमालय के अंदर अधिकांशतः पर्यटक स्थल कहाँ पे आते हैं, तो सभी सभी मध्य हिमालय में आते हैं, ना ज़्यादा ठंडा होता ना ज़्यादा गर्म होता, और लास्ट में दक्षिण हिमालय सबसे टूटा फूटा हिमालय कहलाता है शिवालिक हिमालय, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती है, इसका भी अपरदन करेगी, इस प्रकार बहेगी तो इसके ऊपर से बहकर आएगी और लास्ट में जाके यहाँ तक बहके आएगी तो बिल्कुल कचरा कचरा कर देगी, यानी कि पहाड़ को तोड़ देती है। आपको भी पता होगा पानी के आगे कुछ भी नहीं रुकता, तो यहाँ तक आते आते इसका सबसे ज़्यादा अपरदन किया जाता है, तो सबसे कमज़ोर भाग सबसे टूटा हुआ भाग कहलाता है दक्षिण हिमालय शिवालिक हिमालय।
और इसीलिए भारत में कहीं भी अगर भूकंप की समस्या देखी जा सकती है, भारत में कहीं भी अगर भूकंप की समस्या देखी जाती है तो सर्वाधिक झटके यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि सबसे कमजोर भाग है, सबसे कमजोर भाग है। इसलिए भारत में कहीं भी सर्वाधिक भूकंप की समस्या देखी जाती है तो इसी हिमालय में देखी जाती है। अब इन तीनों की मैं ऊंचाई बता देता हूँ, औसत में ऊंचाई कितनी पड़ती है, ये लास्ट पॉइंट और लिख देना, फिर और नहीं लिखवाऊंगा। सबसे यहाँ पे इसकी जो औसत ऊंचाई पड़ती है वो पड़ती है 6,000 मीटर, 6,000, 16,000 नहीं है, 6,000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, 6,000 मीटर। इसकी मध्य वाली की जो पड़ती है 3,800 से लेकर 4,500 मीटर, जो दक्षिण की पड़ती है वो 1,200 से लेकर 1,800 मीटर। ये उनकी औसत ऊंचाई है। हो गया, ये आपका हिमालय का विस्तार कंप्लीट हो जाता है, हिमालय का विस्तार इस एक मैप के अंदर। एक बार पढ़ लो, मैं जल्दी से सुन लेता हूँ आपको। अरे आपको समझा रहे है क्या? ठीक है, अरे ढंग से पढ़े ना तो बिल्कुल कोई सिंपल सही, जीके है आपको लगता है हार्ड है, अच्छे से पढ़े तो बिल्कुल सिंपल सही है, अच्छे से बस बार 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 का कोई इलाज नहीं है। आपको वो बात है मैथ आसान लगती है, रीजनिंग आसान लगती है, उसके कोई लॉजिक तो मतलब खुद के प्रैक्टिस होती है उसके ऊपर, तो खूब मैथ वैसे आसान होती है क्योंकि मैथ के कोई करने वाला 45 के 45 से ही कर डालता है, जीके में ये किसी की पावर नहीं होती भी, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है वो भी 45 के 45 अगर आ गए तो कोई चांस नहीं है 45 से ऊपर, वो 40 से ऊपर सही कर देगा, कोई 1% भी चांस नहीं है। इसलिए तो SSC की मेरिट कितनी जाती है आपको पता होगा, जो SSC के टॉपर्स होते हैं उनकी कभी उनके बारे में सुनना वो यही बात बोलेंगे, इंग्लिश में पूरे से पूरे थे, रीजनिंग में पूरे में से पूरे थे, मैथ में पूरे में से पूरे थे, जो कमी कर गई वो जीके कर गया उनके, उनके पूरे होते तीनों सब्जेक्ट के अंदर। मेरिट कितनी जाती है? अच्छा ये जाती है 200 में से। क्या पता मैं कल, वो शायद आदित्य रंजन सर है ना कोई मैथ के, यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर, एक्स का इंस्पेक्टर है शायद CGL से निकले हुए, वो कह रहे थे कि मैंने आज तक ऐसा कोई एग्जाम SSC का, इतने सारे एग्जाम दिए तो मैं तो 50 से 49 भी नहीं हुआ आज तक, कल मैं वैसे सुना था, मैं 50 से 49 भी नहीं हुआ, इंग्लिश में 50 में 50 आते हैं मेरे, रीजनिंग में 50 में 50 आते हैं और मैथ में 50 में से 50 आते हैं, रह गए तो जीके मेरे में कमी करता है। एक्साइज इंस्पेक्टर है वर्तमान में और वो उनका कोचिंग सेंटर चलता है, वो पता है क्या रखते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं CGL के अंदर, CHSL के अंदर, शायद MTS की भी इनके बराबर ही होती है क्या? अच्छा तीनों सेक्टर में उन्होंने कहा था, तीनों सेक्टर में अगर कोई टॉप 10 में आता है तो इन टॉप 10 वालों को, यानी कि तीन सेक्टर में 10 CGL के, 10 CHSL के और 10 MTS के, तीनों सेक्टर में टॉप में आता है उसको मैं एक थार गिफ्ट करूँगा, 20 लाख की एक थार आती है, एक थार गिफ्ट करूँगा, ये आदित्य रंजन सर ने बोला है, जो कभी बोलते थे कि मेरे पास बिल्कुल खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज उनके कोचिंग सेंटर इतना अच्छा चलता है कि पीछे एक बेंच को वो 20 क्या नहीं होता सर, बिल्कुल जीके नहीं होता, अरे जीके नहीं होता, जीके नहीं होता, जीके किसी के नहीं होता। हाँ अच्छा, UPSC का आपका सबसे बड़ा मन में बेम होगा, UPSC का 2100 नंबर का पेपर हो जाता है टोटल, UPSC के जो चारों पेपर मिला के मेंस में लिखने के अलावा बात करें तो 2100 नंबर का पेपर होता है टोटल, मतलब चार लिखने वाले होते हैं, इनका इंटरव्यू वगैरह होता है सारा मिला के 2100 का, 250 नंबर का इंटरव्यू,
2100 नंबर में से जिसके 1000 नंबर होते हैं ना, वो तो यूपीएससी टॉपर होता है। 2100 में से जिसके 1000 नंबर होते हैं वो तो यूपीएससी टॉपर होता है। और जिसको लिखने वाले 10 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर का 1% होता है, 10 में से जिसके 5 नंबर आ जाते हैं वो तो ऐसे सोच लेता है कि मेरे 5 नंबर आ गए। कॉपी चेक करने वाले कॉलेज प्रोफेसर होते हैं ये, जो एक शब्द को देख के बता देते हैं अभी क्या लिखा है तूने। रियल में अगर मैं आरएस की बात करूँ, राजस्थान के एग्जाम में जो आरएस होता है सबसे बड़ा, जो एसटीएम वगैरह निकलती है, 800 नंबर के 200 नंबर के 2-4 पेपर होते हैं, 200 नंबर 800 नंबर का इंटरव्यू होता है, टोटल 900 नंबर की मेरिट बनती है परीक्षा, कोई 900 नंबर होते हैं टोटल। 900 में से अगर मैं पीछे मुख्तार राव जी बनी है 2018 का जो रिजल्ट है, मुख्तार राव जी एसटीएम बनी है, 900 में से 451 नंबर थे उनके, एसटीएम टॉपर है वो, आरएस टॉपर है 451 नंबर पे। अब आप बता सकते हो जिक्के वाले को, जिक्के वाले बिल्कुल नहीं होता, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के अंदर इसके अंदर हो जाता है। अच्छा क्या, अच्छा मेरे को बताना भी, अगर मैं बात करता हूँ भी हिमालय कौन से राज्य तक है? जम्मू से, ठीक है। कौन सी नदी तक है? अच्छा कौन से देशांतर है? 74 से 96। अच्छा कौन सी पहाड़ी तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400। इस साइड में कितनी चौड़ाई है? 400। मध्य में 160, इस साइड में 20 से 25। अच्छा सबसे ऊंचाई वाला कौन सा हिमालय? उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, मध्य वाली की 3800 से 4500, लास्ट वाली की 1200 से 1500, वो सबसे नीचे वाला पड़ता है, ठीक है। क्या दिक्कत है इसके अंदर? अब इसका आपका हिमालय का विस्तार एक टॉपिक पूरा हो गया। दूसरा टॉपिक करते हैं ट्रांस हिमालय, हेडिंग लगा लेना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय अगर आपके नहीं, विश्व भूगोल में पढ़ा जाता है रेतीस, अगर विश्व भूगोल के अंदर सुनना क्या होता है आपका, इस प्रकार का मान के चला ग्लोब था। वेगनर था, कोई भूगोलवेत्ता था, उसने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उसने बताया था भी पहले पूरा का पूरा पृथ्वी एक साथ था, जुड़ा हुआ था। अच्छा उसके बाद इसमें विस्फोट होता है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर विस्फोट होता है तो एक पृथ्वी बन जाती है अलग से। अच्छा पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप है वे सभी के सभी पहले एक साथ थे, वे पूरा का पूरा महाद्वीप है वो सभी के सभी एक साथ थे, सारे के सारे जितने भी महासागर पड़ते हैं पहले एक साथ थे, वो बाद में अलग हुए थे। अच्छा वो महाद्वीपों की बात करता है, ये एक ही बात बोलता है भी संपूर्ण जो स्थलीय भाग था पृथ्वी के ऊपर, जो संपूर्ण स्थलीय भाग था वो पूरा का पूरा एक साथ था। कहाँ पे? मध्य में, दक्षिण में था, दक्षिणी ध्रुव की ओर था। और ऊपर जो सागर पड़ता था यहाँ पे पानी पानी था, सारा सागर एक ही था। इस सागर को उसने बोला पैंतालासा सागर, पैंतालासा सागर। अच्छा जो स्थलीय भाग था उसने बोला पेंजिया, आरएस मेंस का टॉपिक है ये, स्थलीय भाग था उसको पेंजिया बोला, इसने पैंतालासा सागर बोल दिया। फिर ये बोलता है भी धीरे 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 क्या हुआ, इसके ऊपर जल प्लावन का बल लगा, जैसे जल के अंदर कोई भी वस्तु गिरा देते वापस ऊपर आ जाती है, जल उत्प्लावन का बल लगता है और धीरे धीरे स्थलीय भाग ऊपर उठने लगता है। स्थलीय भाग यहां से ऊपर उठता हुआ, यहां पे ऊपर उठता हुआ, यहां पे आके रुक जाता है, यहां पे आके रुक जाता है। और उसके बाद में इसके अंदर दो टुकड़े हो जाते हैं, पूरा स्थलीय भाग था, इसके बाद में इसके अंदर दो टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार बंद होने वाला है क्या? इसके अंदर दो टुकड़े हो गए स्थलीय भाग के अंदर। जो उत्तर का भाग था उसे तो उसने बोला अंगारा लैंड, क्या आप ये बताता हूं दो मिनट को। उत्तर का भाग था, इस पेंजिया के दो टुकड़े होते हैं, उत्तर के भाग तो उसने अंगारा लैंड बोल दिया, दक्षिण का जो भाग था उसे उसने गोडवाना लैंड बोल दिया।
और जो इस सागर का जल, इस सागर का जल जो यहां पे बीच में आ गया था, जो अंगारा लैंड व गोडवाना लैंड के मध्य में जो सागर आ गया था, इसी सागर को उसने नाम दिया था पेंथा सागर। इसी सागर को उसने नाम दिया था टेथी सागर। क्या ऐसा था? ये कार्बन पत्ती के आधार पे पता लगाते हैं भी आज इतने, इनका मतलब है जैसे अपने बोलते हैं भी हिमालय आज भी वर्तमान में इसका मतलब निर्माण हो रहा है, हिमालय की उत्पत्ति आज भी हो रही है। हर साल कहा जाता है भी 0.5 सेंटीमीटर के समथिंग ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कहा जाता है जो आपस में प्लेटें हैं, अपने जिस प्लेट पर निवास करते हैं उस प्लेट का नाम है भारतीय प्लेट, अपने जिस प्लेट पर निवास करते हैं उस प्लेट का नाम है भारतीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट है, यहाँ से समझना, अंगारा लैंड के अंदर कुछ प्लेटें पाई गई, अंगारा लैंड पे यहाँ पे एक प्लेट पाई जाती है भारतीय प्लेट, यहाँ पे प्लेट की यूरोपियन प्लेट, इस प्रकार की उत्तर में भारतीय प्लेट थी अलग से, नीचे यहाँ पे एक प्लेट मिलती है जिसे अफ्रीकन प्लेट बोला गया, अफ्रीकन प्लेट। जब यहाँ पे भारतीय प्लेट इस प्रकार आई और अफ्रीकन प्लेट इस प्रकार की, दोनों का जब दबाव लगा तो यहाँ पे जो टेथी सागर से जो निकल के आया था उसी का नाम था हिमालय। जब दोनों का दबाव लगता है, दोनों के दबाव लगने से यहाँ पे बीच में जो सागर निकल, जो हिमालय निकल के आया था यहाँ पे, इसी का नाम था हिमालय। तो वर्तमान में कहा जाता है जो हिमालय है वो टेथी सागर का ही भाग है, जो हिमालय है वो टेथी सागर का ही भाग है। इसका हिमालय का जो पालनहार कहा जाता है, हिमालय का जो पालनहार कहा जाता है वो टेथी सागर को ही कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से यूरेशियन प्लेट आती है, नीचे से अफ्रीकन प्लेट आती है, दोनों आपस में से टकराती है। टकराने से इसके जो जल के भाग के अंदर, टेथी सागर के अंदर जितना भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ था वो सारा वलन के रूप में ऊपर आ जाता है, और वलन के रूप में ऊपर आने के कारण इसे वलित पर्वत बोल दिया गया, वलित पर्वत बोल दिया गया। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत हिमालय को कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन, अगर मैं बात करता हूं नवीनतम वलित पर्वत कौन सा, तो अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन है अरावली। यह टेथी सागर की कहानी इसकी, ठीक है। ये आपके आपकी एक बिल्कुल भी सिलेबस में है नहीं, 1% भी सिलेबस में नहीं है आपके, बहुत डीपली पढ़ता है ये। अच्छा, ट्रांस हिमालय क्या मतलब होता है? ट्रांस का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांस को एक जगह से दूसरी जगह, सुनना ट्रांस का मतलब। पहले यहां पे था हिमालय इस प्रकार, हिमालय के पार जिसका निर्माण हो चुका है, जो हिमालय के पार पड़ती है, ट्रांस का मतलब होता है पारी। भी हिमालय के पार जो चीज पड़ती है उसे बोला गया ट्रांस। अब ऊपर से जो प्लेट आई थी यूरेशियन प्लेट, नीचे से अफ्रीकन प्लेट आती है, अफ्रीकन प्लेट आपस में यहां पे टकराई तो यहां पे हिमालय बनेगा। लेकिन इस हिमालय से पहले भी अंगारा लैंड में यहां भी कुछ हुआ होगा। इससे पहले यहां पे क्या कुछ था, यानी कि जो हिमालय से पार पड़ता है तब इसको बोल दिया गया ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय, जो हिमालय के पार पड़ता है। और इसी ट्रांस हिमालय में जो पड़ती है, जो भारत की सबसे ऊंची है गोडविनाश्ट्रीन K2, जो इसी ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है वो, जो K2 पड़ती है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो इसी ट्रांस हिमालय का भाग पड़ती है। हिमालय का निर्माण बाद में हुआ था, ठीक। क्या बिल्कुल अलग है? ट्रांस का मतलब यही है, भी हिमालय के पार की चीज, इसका भाग है ही नहीं है, बिल्कुल भाग नहीं है, हिमालय का बिल्कुल भी भाग नहीं है। हिमालय आप लगेगा भी हिमालय शब्द क्यों जोड़ा गया, तो हिमालय इसको नाम देने के लिए, ट्रांस इसको नाम देने के लिए, इसको कुछ नाम देने के लिए, इनको और कुछ मिला नहीं तो ऐसे बोल दिया हिमालय के परे की साइड में ट्रांस श्रेणी। बिल्कुल भी ट्रांस हिमालय अलग ही पड़ता है। यहां पे जो चीज पड़ती है, मतलब हिमालय के पार जो चीज पड़ती है उसे ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय बोल दिया गया। जो हिमालय के पार है तब उसको पार हिमालय बोल दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में अभी पढ़ने वाले ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले एक लाइन लिखना है इसके अंदर, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को
ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा, ट्रांस हिमालय की मुख्यतः तीन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की मुख्यतः तीन श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी, डायग्राम से बता दूंगा अभी, लद्दाख श्रेणी, कराकोरम, जास्कर श्रेणी। श्रेणी का मतलब ये कोई पहाड़ी है। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय के पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की मुख्यतः तीन श्रेणी पड़ती है, कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। उतार लिया होगा, कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। हो गया, ठीक है। खूबसूरत सा अपना जम्मू कश्मीर का मैप बना लेना। अच्छा, बताने की जरूरत नहीं है ये कौन सा पड़ता है। ऊपर वाला लद्दाख है, नीचे वाला कौन सा है? ठीक है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। तीन श्रेणियां पड़ती हैं यहाँ पे मुख्यतः। एक तो कौन सी बताइए, सबसे पहले सबसे उत्तर में कौन सी है? कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, क्या जास्कर श्रेणी। तीन श्रेणियां हैं। इस श्रेणी का नाम लिख देता हूं मैं सबसे पहले, कराकोरम श्रेणी। आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, आईएएस के एग्जाम में तो इनका क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अच्छा, कराकोरम श्रेणी की बात करता हूं। यहां पे जो रेखा पड़ती है इस प्रकार, उसे पीओके रेखा कहा जाता है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अच्छा, इसी पीओके क्षेत्र में, इसी पीओके क्षेत्र में कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है। पीओके क्षेत्र में कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है, जिसे कहा जाता है K2, जैसे गोडविन आस्टिन। जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या चीज है? अच्छा, पीओके लाइन है ये तो, पीओके क्या, कहां पे? रेडक्लिफ, मतलब इससे साइड में पीओके क्षेत्र पड़ता है, क्या चीज है? कैलाश, लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी को भारत में तो लद्दाख श्रेणी बोलते हैं, इसी लद्दाख श्रेणी को चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है। यहां पे लिख देते हैं, चीन में इसी को कैलाश पर्वत कहा जाता है, कैलाश पर्वत। लद्दाख श्रेणी को ही चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है, चीन में, लद्दाख श्रेणी को ही चीन में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है।
जब आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हिमालय में पड़ती है, ट्रांस हिमालय में नहीं है, ध्यान रखना, कौन सी श्रेणी में, कराकोरम श्रेणी में पड़ती है, पियो के क्षेत्र पूछे तो पियो के क्षेत्र में पड़ती है, क्या कौन सी आती है, समझा नहीं मैं, पियो के क्षेत्र में बस है, तो अपनी पियो के क्षेत्र में है, पियो के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक ऑक्यूपाइड क्या इस, अच्छा इसके ऊपर क्या धक्के नाली की है, तो धक्के से कहने वाला बड़ा प्रसन्न थोड़ी ना देख के जाएगा, अच्छा उतार लिया होगा, ठीक है। अगर मैं हिमालय के विस्तार की बात करता हूँ तो कौन सी नदी से लेकर कौन सी नदी दे, नदी नदी से लेकर कौन सी नदी से लेकर कौन सी, सिंधु से ब्रह्मपुत्र, कौन सी पर्वत चोटी से, कौन सी पर्वत चोटी, नंगा पर्वत से, नामसा बरवा, कौन से देशांतर से, अच्छा कौन से राज्य से, कौन से राज्य में, लंबाई कितनी है इसकी, इस साइड में चौड़ाई, बीच में 160, इस साइड में कितनी है, अच्छा सबसे ऊंचा वाला कौन सा है, उत्तरी, कितनी है औसत ऊंचाई, मध्य वाली कितनी है, 3800 से 4500, दक्षिण वाले की, अच्छा ट्रांस हिमालय की बात करता हूँ तो ट्रांस हिमालय का मतलब जिसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। कितनी श्रेणी है इसकी, तीन श्रेणियाँ, उत्तर से दक्षिण में कराकोरम, लद्दाख व जास्कर, और कराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और लद्दाख श्रेणी को ही पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, सॉरी चीन के अंदर क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप कराकोरम श्रेणी को हेडिंग लगा लेना, इनके ऊपर दो दो बातें लिखते हैं, कैलाश, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कराकोरम श्रेणी को हेडिंग लगा लेना, कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, पहला यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, उत्तरी श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। दूसरा कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या भारत की यही है, यह कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची है जो भारत में आती है, तब इसको भारत की बोल दिया गया, भारत में पड़ती है कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, इसे K2 भी कहा जाता है, ऊंचाई इसकी 8611 मीटर, ऊंचाई 8611 मीटर। कराकोरम श्रेणी की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां अनेक ग्लेशियर, जिसे हिमनद, यहां पर अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। कराकोरम श्रेणी की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर अनेक ग्लेशियर एवं हिमनद पाए जाते हैं, जो कि निम्न है, एक ही बात है, हिमनद या फिर ग्लेशियर पाए जाते हैं जो कि निम्न है, सियाचिन,
बाल तोरो इस पार बतूरा सियाचिन बाल तोरो इस पार बतूरा खार दोपिन चोंगो लुंगमा कराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोडविनाश 3811। कराकोरम श्रेणी की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर अनेक हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं जो कि निम्न है सियाचिन बालतोरो इस पर बतूरा खारदोपिन चोंगो लुंगमा। क्या व्याफो लिख दो एक नहीं लिखा क्या व्याफो व्याफो सियाचिन बालतोरो इस पर बतूरा खार तो पिन चोंगोलुंग में व्याफो। उतार लिए पीछे क्या आ जाएंगे सारे फिक्र मत करो। ये चार पांच जो नाम लिखे ना अपने ऐसे नहीं लिखे रट्टा तो ये तो ट्रांस हिमालय चल रहा है अभी तो ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी पूरी हुई है। लद्दाख जास कर ट्रांस हिमालय की बातें पड़ी है फिर मुख्य हिमालय आएगा जिसमें उत्तरी हिमालय है मध्य हिमालय है दक्षिण हिमालय आएगा पूर्वांचल हिमालय अरुणाचल साइड के प्रदेश का जो हिमालय पड़ेंगे फिर प्रादेशिक हिमालय ये सिर्फ हिमालय के टॉपिक इतने सारे छह भौतिक प्रदेश है। ठीक है पढ़ लिया होगा। अच्छा सबसे ऊंची अगर पूछे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है कराकोरम श्रेणी जो सबसे उत्तर में पड़ती है इसी के ऊपर सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोडविनाश्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पीओके क्षेत्र में पड़ती है 8611 जिसकी ऊंचाई पड़ती है। अच्छा इसकी ऊंचाई अधिक है तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे ग्लेशियर पाए जाएंगे ग्लेशियर जैसे कौन कौन से सियाचिन बालतोरो इस पर बतूरा खारदोपिन चोंगोलुंग व्याफो। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कहा जाता है कौन सा सियाचिन ग्लेशियर नोट करके अटकाओ तो अटका देना। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा और मेरे को याद आ रहा है एसएससी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हुआ है ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर आया हुआ प्रश्न है ये एसएससी के एग्जाम में भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। हो गया अच्छा कराकोरम हो गया। लद्दाख के ऊपर दो बातें लिख लेते हैं अभी लद्दाख के ऊपर लद्दाख श्रेणी थी लद्दाख श्रेणी लद्दाख श्रेणी में लिखना लद्दाख श्रेणी को चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है। दूसरा लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट राकापोसी माउंट राकापोसी जिसकी ऊंचाई अगर मैं बात करता हूं तो 1788 मीटर ओ एक पॉइंट और लास्ट लद्दाख का शाब्दिक अर्थ ये प्रश्न पूछा गया आरएस के एग्जाम में लद्दाख का शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर लाख दर्रों का घर लद्दाख श्रेणी को चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट राकापोसी
लद्दाख का शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर, और एक पॉइंट और लिख दो, विश्व लाख दर्रों का घर, बहुत ज्यादा दर्रे पड़ते हैं। माउंट राकापोसी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। माउंट राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। हो गया लास्ट, जास्कर श्रेणी के बारे में दो बातें, ट्रांस हिमालय तो पूरा कर ही देते हैं, जास्कर श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, सबसे दक्षिण श्रेणी है। दूसरा, ट्रांस हिमालय की हाँ, तो मैंने ये लिखा भी, यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। हाँ, ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है, लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट होता है। कितने दिन में यार, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हिमालय का डायग्राम किया था, अभी तो हिमालय क्या, अरे हिमालय ही बड़ा है, उसके बाद कुछ नहीं बड़ा, बस हिमालय ही बड़ा है, उसके बाद मजाक की अलग बात है, हिमालय ही बड़ा है, उसके बाद कुछ नहीं बड़ा। इसलिए अपने ट्रांस हिमालय पढ़ा है ना, इतनी देर में एक टॉपिक निकल जाएगा, मतलब आगे वाले जो है इतना ट्रांस हिमालय, इतने में द्वीपीय प्रदेश आ जाएगा, इतने में तटीय प्रदेश, तो एक बोल्ड की डायग्राम की सारणी याद कर लेना, तटीय प्रदेश में एक आपको सारणी याद कराऊँ, 5 मिनट इधर होंगे 5 मिनट इधर होंगे, बस तटीय प्रदेश में, द्वीपीय प्रदेश में एक बोल्ड का पे कंप्लीट हो जाएगा, आगे छोटे छोटे बिल्कुल यही सबसे बड़ा है। नदी अगर मैं मैदानी प्रदेश की बात करता हूँ तो एक आपको मैदानी प्रदेश का डायग्राम बनवा दूंगा, वो मैदान याद कर लेना, उसी के अंदर सारी बातें बता देता हूँ, यही सबसे बड़ा पड़ता है। हाँ हो जाएगा, 20-25 दिन के अंदर हो जाएगा, पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा 20-25 दिन में तो। क्या कर लेंगे, घुमा घुमा के चक्कर चढ़ा चढ़ा के वहीं पे पट के रखो। अच्छा हो गया, पढ़ लो एक बार, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिस्टम से पढ़ा जाए तो बहुत सिंपल है, अगर सिस्टम से पढ़ा जाए, आप किसी भी बुक को उठा के पढ़ लेना, आपको बुक में समझ ही नहीं आएगा, गारंटी से कह सकता हूँ मैं, बुक में समझ ही नहीं आता हिमालय कहाँ से पढ़ना शुरू करे, कहाँ पे एंड करे, बुक की भाषा ही समझ नहीं आती। मेरे खुद के आज तक माजिद हुसैन की बुक है ज्योग्राफी की, मेरे खुद के उसकी भाषा समझ नहीं आती। मैं तो जो आपको पढ़ाता हूँ, जो कोचिंग के जो टीचर पढ़ाते हैं उनके नोट्स ही पढ़ाता हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं कि जो बुक की वर्तमान में ऐसी बुक आ रही है भी बच्चों के समझ ही नहीं आती, जो कोचिंग वाले टीचर होते हैं वो खुद निचोड़ निकाल लेते हैं बुकों से, तो उनके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, फिर फालतू को क्यों बुकें पढ़ने का मजा, कोई मजा थोड़ी ना आता है। इसलिए जो किताबें होती है वो नोट्स वगैरह होते हैं वही पढ़ लिया करो, अब इसके अलावा कुछ मत पढ़ लेना। ये नोट्स है आपको मैंने पढ़ा दिए, अपनी लैंग्वेज में लिखवा दिए, जैसे मैंने लिखवाए थे वैसे आपको मैंने लिखवा दिए, इसको ही पढ़ लेना,
इसके अलावा किसी के हाथ मत लगा लेना, ऐसे पजल हो जाओगे क्या। हाँ टेस्ट वगैरह तो लगा लेना, लेकिन बुक के साथ में मत्था मत मारना कि ऐसे करो भी मार्केट में जाके ज्योग्राफी की बुक दे दो कोई बुक वगैरह मत ले आना अच्छा पढ़ लिया होगा, भौतिक वाचन कितने भागों में है, छह भागों में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीप का पठार पड़ता है, थार का मरुस्थल, तटीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और एक कौन सा पड़ता है, द्वीपीय प्रदेश। सबसे पहले हिमालय शुरू किया था, हिमालय का विस्तार, हिमालय कौन कहाँ से लेकर 74 से लेकर 96 के मध्य, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, नंगा पर्वत से लेकर नामसा बरवा, लंबाई 2400 किलोमीटर है, 22 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, 400, 160, 20 से 25, उत्तरी हिमालय, मध्य दक्षिण, सबसे ऊंचा मध्य में और सबसे नीचे का भाग पड़ता है। अच्छा उसके बाद मैंने कहा ट्रांस हिमालय के तीन श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। कराकोरम की बात करते हैं, कराकोरम में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गोडविन आस्टिन पीओके क्षेत्र में 86 जिसकी ऊंचाई पड़ती है। ये कराकोरम के बारे में लिख रही है, सबसे उत्तरी श्रेणी पड़ती है, अधिक इसके अंदर दर्रे पे सबसे ऊंचे ऊंचे जो दर्रे पाए जाते हैं, जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो सभी इसी के अंदर पड़ते हैं। दूसरा अपने लद्दाख श्रेणी के बारे में बात करी, ये चीन में से कैलाश पर्वत कहा जाता है, की सबसे ऊंची माउंट राकापोसी है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी कहा जाता है, और लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दरों का घर। जास्कर श्रेणी सबसे दक्षिण में पड़ती है, और लद्दाख व जास्कर दोनों के मध्य से नदी कौन सी बहती है, सिंधु नदी बहती है। ठीक है बाकी इसके अंदर पढ़ेंगे कल। अरे आपको समझा रहे क्या, ठीक है चलो इसके अंदर बाकी कल ही पढ़ेंगे, कल की क्लास के अंदर। कोई डाउट है आपका, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से अभी, ठीक है कोई बात नहीं।